अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबका जॉब अपडेट डॉट पी के पे वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जॉब 2021 के बारे डिस्कस करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आप जॉब अपडेट डॉट पी के टाइप करेंगे। जैसे ही आप जॉब अपडेट डॉट पी के सर्च करते हैं आपके सामने हमारा मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आपने से कोई हमारे इन ग्रुप्स में शामिल होना चाहता है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके शामिल हो सकता है। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। अगर कोई लड़की हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके शामिल हो सकती है। इन ग्रुप्स का फ़ायदा यह है, यहाँ आने वाली हर न्यू जॉब वैकेंसीज के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स हैं, आप किसी भी जॉब के बारे में विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जॉब 2021 के बारे में, इसके ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो कम्प्लीटली रीड आउट कर लेना है। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसका सोर्स द न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया था। जॉब लोकेशन इस्लामाबाद है। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2021 है। क्वालिफिकेशन आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जॉब टाइप गवर्नमेंट परमानेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बात करते हैं कि कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट से रिलेटेड मेंशन की गई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कैंडिडेट का मस्ट होना चाहिए। इस जॉब के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, CNIC कॉपी, डोमिसाइल, 2 रीसेंट फोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फी डिपॉजिट स्लिप। यहाँ पोस्ट के अबाउट बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। असिस्टेंट के लिए 6 सीट अवेलेबल है। स्टीनोटाइपिस्ट के लिए 29 सीट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 सीट, UDC के लिए 7 सीट, LDC के लिए 16 सीट, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 3 सीट, डिपैच राइडर के लिए 1 सीट, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए 4 सीट, नाइप कासिद के लिए 18 सीट, फ्राश के लिए 3 सीट। इस जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है वो किसी भी टेस्टिंग एजेंसी जिसके पास NTA है ना उसके थ्रू अप्लाई करेगा। आपने एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच करनी है और दिए गए एड्रेस पर पोस्ट करवा देनी है। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को अटैच करनी है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज आएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपने रियल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद FB इंस्टा पर लाजमी फॉलो करें ताकि आपको न्यू जॉब वैकेंसीज के अबाउट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।